आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। धामी ने दिया वृद्धों दिव्यांगों को तोहफा, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की दी मंजूरी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना संक्रमित, खुद को अपने आवास पर किया आइसोलेट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रैली रद्द करने का लिया फैसला। निर्वाचन विभाग ने जारी की मतदाता सूची, उत्तराखंड में बढ़े 3 लाख मतदाता, मतदाताओं का आंकड़ा 81 लाख के पार। देश में कहर बरपा रहा कोरोना, 24 घंटे में 91,000 नए मामले आए सामने, 200 दिन बाद रिकॉर्ड हुए थे केस। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना का संकट गहराने लगा है, जिसके चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि 9 जनवरी को अल्मोड़ा में उनकी रैली होने वाली थी। यहां से स्वराज आश्रम में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए AICC की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि स्थिति में सुधार आने पर दोबारा कार्यक्रम तय होगा। उत्तराखंड में कोरोना ने भीषण रफ्तार पकड़ ली है। बीते बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 500 से ज्यादा मामले सामने आए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सतपाल महाराज के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके 20 लोगों के स्टाफ के सैंपल भी लिए गए हैं, साथ ही मिलने जुलने वालों को ट्रेस किया जा रहा है। बता दें कि सतपाल महाराज के गले में कुछ समस्या हुई थी, जिसके बाद जांच करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सतपाल महाराज डालनवाला स्थित घर में आइसोलेट हैं। खबर पौड़ी से है, जहां श्रीकोट में बनाए जा रहे ऐतिहासिक खेल मैदान का नाम देश के पहले CDS विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खेल मैदान का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि खेल मैदान का 8 जनवरी को लोकार्पण किया जाएगा और खेल मैदान का नाम CDS विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम के बनने के बाद क्षेत्र में खेल से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। खेल प्रतियोगिता होगी तो हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। मैदान की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि मैदान में पुरुष और महिला शौचालय, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ ही 6 ट्रैक का मैदान भी रहेगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। इस स्टेडियम से आने वाले वक्त में खेल प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिलेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। बता दें कि बग्गावाला थाना पुलिस ने क्षेत्र में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया है, साथ ही कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे लोगों को मास्क बांटे। थाना अध्यक्ष प्रशांत बहुगुड़ा के नेतृत्व में अमानगढ़ चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल और पुलिसकर्मियों ने थाना क्षेत्र के गांव-गांव जाकर ग्रामीणों और दुकानदारों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्रामीण कोरोना नियमों का पालन करे। कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी गई है। कैबिनेट के निर्णय के तुरंत बाद बुधवार शाम को शासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र अथवा 72 घंटे पहले की कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव अनिवार्य की गई है। यह आदेश 7 जनवरी से प्रभावी होगा।
उत्तराखंड में मौसम के बदले मिजाज के बीच पहाड़ों में भारी हिमपात और मैदान में हल्की बारिश का क्रम जारी है। यहां के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फ लग गई है, जबकि मसूरी के आसपास की चोटियों पर भी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ जम गई है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी के बाद दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। इधर मैदानों में बारिश के चलते पारे में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट दर्ज किया गया है, जिससे समूचा उत्तराखंड कड़ाक की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। तो मैदानों में बारिश की वजह से ठंड है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। ऊंचे क्षेत्रों पर काफी बर्फ जमी हुई नजर आ रही है और ये मैदानी इलाकों में ठंड की वजह भी बन रही है। खबर चमोली से है, जहां थराली विधानसभा के सोल पट्टी और घाट विकास खंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर शिकायत को लेकर अधिशासी अभियंताओं को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर मोटर मार्ग का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करते हुए बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वो पहले भी बहुत बार इस सड़क के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल कर चुके हैं, जिसके बाद इस सड़क के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। न्यूज चैनल का जो हमारे इस विषय में अपनी भूमिका निभाई, मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा विशाण होने के नाते यहां पर 2 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी को भी अपने हाथों से इस परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक परिणाम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जब भी कोई बैठकें होती है, किसी प्रकार की भी कोई चर्चा परिचर्चा होती है, तो मेरा ये रिसाण तेलान मोटर मार्ग पे सबसे पहला मुद्दा रहता है। हम ग्राम सभा रिसाण के आज एक शिष्टमंडल PWD विभाग थराली में आया हुआ है, जिसमें 2018 से वित्तीय स्वीकृति हो रखी है, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम जनता परेशान है, जबकि हमारा जो ये पहले सर्वे हो रखे है 2011 में भी हुए है, 2018 में भी हो रखे है, जिसमें वित्तीय स्वीकृति भी आ रखी है। जहाँ पर हमारा सर्वे के बाद डैम्पिंग जोन है, वो इलाका हमारा भालू ने जो है काफ़ी आदमी को काट चुका है। यदि वो अगर रोड हमारी घाट थराली मोड मिल जाती तो हमें दिक्कत नहीं होती है, जबकि हमारा जहाँ से गाड़ी का लास्ट स्टॉप है वहाँ से ऊपर जाने के लिए 200 रुपये किराया देना पड़ता है, एक खच्चर वाले को किराया देना पड़ता है। अभी बर्फ गिरने का समय आ गया, आज शाम से क्या पता बर्फ गिरने की संभावना है। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आगे केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि हर मोर्चे पर भाजपा विफल है, जबकि कांग्रेस ने अपने 3 साल के अपने कार्यकाल में 32,000 युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन भाजपा सरकार 3200 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं दे पाई। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 28,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अच्छी कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। चौबट्टा खाल इस बार पूरे पौड़ी को का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। राव जी, लगातार जो अंदरूनी कलह कांग्रेस की है लगातार सामने आ रही है, किस तरह से 2022 को पार कर पाएंगे? सब मिलकर कर। खबर लक्सर से है, जहां लगातार बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता और पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने लोगों को जागरूक करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे वैक्सीन लगवाने की अपील की। जो है आज कोरोना के जागरूकता हेतु हम लोगों को जो है लोगों को जो है सैनिटाइज के संबंध में, मास्क पहनने के संबंध में, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश का अनुसार जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 11 से 12 बजे तक चलेगा।
सभी कस्बों में और देहात क्षेत्र में सभी थानों में जो है ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार और SP देहात के निर्देश पर। और सभी से अपील की जा रही है, सभी लोग घर से बाहर मास्क पहन के चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोई भी यदि इस संबंध में कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो 4 से 6 बजे हम लोग एक चालान का भी अभियान चलाएंगे और लोगों को जो है इसके लिए जो है बाध्य करेंगे लोग जो है कोविड नियमों का पालन। संक्रमण हाल के दिनों में फैलने लगा है ऊपर, वैसे तो सभी लोग लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के साथ अभियान चलाकर सभी लोगों से यही अपील की जा रही है कि सभी लोग सेफ एंड सिक्योर रहें, सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। साथ ही यदि कोई और भी ऐसा कर रहा है जो इन सब मानकों का, इन सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है, तो सभी का ये कर्तव्य है कि उन्हें भी। खबर हरिद्वार से है जहां कलियर के दौलतपुर गांव के पास एक कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक करीब 15 फीट ऊंचे उछाल खाया और जिस कारण उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस अस्पताल का नाम है सिविल अस्पताल, जहां पे मृतक के शव को भेजा गया है और मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।